राम राम जी, राधे राधे जी, जय कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का टेडी एनिमल डॉग जो भी बोल दीजिए, इस तरह की ब्यूटीफुल कैब बना देते हैं। ये सभी के लिए, ठीक है, छोटे बड़े सभी पहन सकते हैं। तो सीख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए मिनिमम बॉर्डर ले लिया है और अब मैंने यहाँ पर 100 फंदे लगाए, ठीक है। 25 मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 25 फंदों को बाहर निकाल देना है। सिंपल नीटिंग वाली सीस होगी, नोक को बैक साइड करेगी और कार्ड वाला इसे यहाँ करेगी। तो चलिए हम बना लेते हैं इसी से पैटर्न को। तो इस तरह से राइट हैंड साइड से हमने एक एक फंदों को निकालते जाना है। पूरे फंदे नहीं करने हमने, ठीक है। हमने यहाँ पर बीच में कम से कम 22 फंदों को रख लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है, ये 22 फंदे मेरे हो गए हैं ना। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ये जो 25 निकाले थे ना, इनको एकदम से पीछे कर लेना, एक साथ में, है ना। और अब 1 by 1 करके एक एक फंदे मैंने यहाँ तक निकाले हुए हैं, जहाँ ये धागा, ठीक है। तो जिस तरह ये साइड बनेगी, ये वाली साइड भी ऐसी बनेगी। पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से ये लॉक खुला होना चाहिए। पूरे मैंने 1-1 करके कर लिए इस तरह से अपने, ये सारे हमने बाहर की ओर करने। अब दोबारा यहाँ से भी मैंने धागा लगा देना है और बैक साइड में 25 को ले जाना है, ठीक है। इस तरह से मेरे यहाँ पर फिर एक एक करके बैक में जाएंगे। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पर भी हमने यहाँ पर आना और फॉरहेड के जो 22 फंदे थे ना, उनको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से कर लीजिए कि ये इक्वल्स में आ गए हैं, ठीक है। 22 मेरे यहाँ रह गए। अब हमने बटन बंद कर लेना है भाई, और अब हमने प्लान जाना है। डियर फ्रेंड्स, तो हमारा माउथ बन गया है। अब हमने यहाँ पर फॉरहेड बनाना है। फॉरहेड मेरा सेम कलर का ही बनेगा। फिर दोबारा से जैसे मैंने यहाँ 25 फंदे थे ना निकाले, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। फिर दोबारा से मेरे यहाँ पर जो है फंदे इस तरह से राइट एंड लेफ्ट में आएंगे, बटन अपनी जगह पर चले जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ। आप चाहो तो एक एक फंदा भी निकाल सकते हो, दो दो भी, तीन तीन भी। यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है ज़्यादा लिया था, ठीक है। तो यदि आपका बॉर्डर कम है तब आपने क्या करना है, एक एक निकालना है। बॉर्डर मैंने ज़्यादा लिया है तो मैं यहाँ पर 3-3 फंदों को बाहर निकालते हुए जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करते हुए जाना है। मैंने 3 पूरे नहीं करने, हमने 3। तो इस तरह से मैंने कैरिज ला लिया है इधर को, और यहाँ पर मेरे यहाँ पर आगे 40 40 और ये बीच में 20 है ना, 100 का ग्राफ है ना मेरा ये, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैंने यहाँ पर फिर से काउंटिंग कर लेनी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 है ना। फिर वैसे ही मैंने फिर यहाँ पर क्या करना है, जैसे 3-3 का ही ग्राफ था ना, 3-3 ही बैक करते हुए जाना। इस तरह से देखिए मेरी 1 साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। धागा मैंने कट, ये मैंने आगे की ओर में, और कैरिज लेफ्ट हैंड साइड में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 25 को पीछे करना है, ठीक है। बंद कर लिया है और इक्वल्स में आ गई, ठीक है। यहाँ पर दिख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होल से ही पता लग रहा है मेरे कि मेरे 3-3 करके। अब यहाँ पर 1-2 रो हमने स्टिच के लिए डाल देनी है, ठीक है, और पूरे के पूरे लेस कर देने हैं, ठीक है। सिलने का तरीका इनको बराबर भागों में ऊपर से और साइड से होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चैन टाँके से जो है अप एंड डाउन करके लुकिंग ईयर की दी हुई है, ठीक है। और साथ में क्लियर कर रही हूँ कि यदि आप इस वाली कैप की तरह बनाना चाहते हो हाफ पोर्शन में, तो आप इसे इस तरह भी बना सकती हो, ठीक है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू।